नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे संपूर्ण आधुनिक काल की परीक्षाओं में पूछी जाने वाली अति महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एवं कुछ कथनों से संबंधित आज हमारी क्लास होगी। तो आप लोगों को इस क्लास को ध्यान से देखना है और बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों में से परीक्षा में आपको कई सारी पंक्तियाँ देखने को मिलेंगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, TGT PGT परीक्षा हो या NTA NET की परीक्षा हो या कोई और अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो सबसे पहले नंबर एक पंक्ति हम देखेंगे, संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद देख लेते हैं, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये पंक्ति जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये भी पूछ लिया जाता है, ये इस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा जो है अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। कौन सा भाई? अनुप्रास। ये आपको ध्यान रखना है और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही है जलथल में। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगली जो पंक्ति है हमारी, पंक्ति नंबर तीन, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति भी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद अगली पंक्ति देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति जो है हरिओत जी की है। उसके बाद देख लेते हैं, सखी नील नभसर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद, सखी वे मुझसे कह कर जाते, यशोधरा से ली गई है। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा इनकी रचना से जो है मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगली जो पंक्ति हमारी वो है, वंदनीय वह देश जहाँ से देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर, परताम से अज्ञानी हो। श्रीधर पाठक जी की ये पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है श्रीधर पाठक जी से संबंधित भी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है तो रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। ये पंक्ति जो है श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, पंक्ति नंबर 9, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्ति है और अपने आप में भाई सभी पंक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पंक्तियों को ही मैंने इस क्लास के अंतर्गत रखा है, ताकि आपको इधर उधर कहीं ना भटकना पड़े और जितनी भी संपूर्ण आधुनिक काल से संबंधित पंक्तियाँ हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, उनको हम जो है बार बार रिवाइज करके याद कर ले, ताकि आपके यहाँ से 3-4 नंबर जो है आपके पक्के हो जाए। कम से कम 3-4 पंक्तियाँ जो है आपकी इन्हीं पंक्तियों में से पूछी जाएगी परीक्षा में। और आप सभी को पता है आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली पंक्तियों को परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है, कई बार मिलान में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 3-4 पंक्तियाँ इकट्ठी दे दी जाती हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो आगे देख लेते हैं, अगली जो हमारी पंक्ति है वो पंक्ति है पंक्ति नंबर 10, देख लेते हैं, लिखो न करो लेख निबंध। श्रीधर पाठक जी की जो है पंक्ति है, लिखो न करो लेख निबंध, श्रीधर सम सब कवि सौछन। ये जो पंक्ति है श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, पंक्ति नंबर 11, निज भाषा बोलूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनूँ, सब लोग करूँ सकल विषय निज भाषा उपजोग। जो ये पंक्ति है ये श्रीधर पाठक जी की ही है, कि निज भाषा बोलूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनूँ, सब लोग करूँ सकल विषय निज भाषा उपजोग।
जो पंक्ति श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई, जो कि खड़ी बोली के जो है सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रथम कवि भी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई, परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियाँ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंक्ति नंबर 13। सारी परजानी पर दीन दुखी जहाँ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमने वहाँ है, जो ये पंक्ति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछोर वर, ये पंक्ति भी जो है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंक्ति नंबर 15। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की है। और भाई आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप जो है बीच में ही इस क्लास को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। और अंत में जो है जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप जो है कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे जो है और अधिक हौसला मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट की जो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जो टॉपिक है हमारे उनके क्लास में लेकर के आऊँ। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या हमारी 16। चार डग हमने भरे तो क्या किया, बड़ा मैदान कोसों का अभी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की हैं कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, बड़ा मैदान कोसों का अभी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं 17। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में, ये पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे देख लेते हैं पंक्ति नंबर 18। परिधान रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी जी की। उसके बाद देख लेते हैं पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो, जो ये पंक्ति है सत्यनारायण कवि रतन जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे छायावाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कहे गए हैं विद्वानों के अनुसार, और उसके बाद अन्य पंक्तियों को भी हम देखेंगे आधुनिक काल से संबंधित जो अन्य कवियों ने लिखी है, जैसे कि छायावाद के कवियों ने, प्रगतिवाद के कवियों ने, प्रयोगवाद के कवियों ने, सभी कवियों से संबंधित पंक्तियों को आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाली पंक्तियों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं नंबर 20 कथन दिया गया है एक कि छायावाद शब्द दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है और इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद देख लेते हैं कथन, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है, सृष्टि यानी जन्म होता है। तो ये पंक्ति है राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद देख लेते हैं आगे, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया यानी जाना गया, तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं छायावाद शुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये कहा महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद छायावाद शुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन धोती नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, ये कहा रामविलास शर्मा जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में इन कविता को यदि छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद कहे तो अधिक संयुक्त युक्तिसंगत होगा, ये जो पंक्ति कही है कथन कहा है छायावाद के संबंध में, ये कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे,
अगला जो हमारा कथन है पंक्ति से संबंधित प्रश्न, अगला हमारा भाई अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँचा अनजान सिरीज को मिलता एक सहारा। ये जो पंक्ति कही है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है भाई। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको हम देख लेते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद, हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता जयशंकर प्रसाद जी की। हिमाद्री त्रुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति। उसके बाद देख लेते हैं नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे छायावाद के मूल में पाश्चात्यवाद रहस्यवादी भावना आवश्यक थी, इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजों की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई, ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे छायावाद व्यवस्था का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है, महादेवी वर्मा जहाँ पीड़ा की बात आए आंसुओं की बात आए तो महादेवी वर्मा जी आ जाती है छायावाद के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं पंक्ति नंबर हमारी 34 छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से युक्त था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, नामवर सिंह जी ने कहा। उसके बाद देख लेते हैं बांधा था विदू को किसने इस काली जंजीरों से, ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद बीती विभावरी जागरी ये पंक्ति जो है बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। अंबर पनघट में डूबी रही ताराघट उषा नगरी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है ये भी। उसके बाद देख लेते हैं तुम हो कौन और क्या इसमें क्या है धरा सुनो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसिद्ध पंक्ति रही है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति है तुम हो कौन और मैं क्या इसमें क्या है धरा सुनो जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आंसुओं से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा तुमको अपनी सीमित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पंक्ति। इसके बाद देख लेते हैं धिक जीवन जो पाता आया विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे। उसके बाद देख लेते हैं पत्नी को खोया और साथ फिर उस अपनी पुत्री को भी खो दिया। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 42 होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है भाई। उसके बाद देख लेते हैं राम की शक्ति पूजा से ली गई है और ये काफ़ी सारी ये जो जितनी भी ये पंक्तियां हैं हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी करेंगे कि किस रचना से ली गई है, इन पंक्तियों को भी हम देख लेंगे कि जैसे कि ये पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा से ली गई है, काफ़ी सारी जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियाँ रही वो किस उनकी जो प्रसिद्ध रचना रही काव्य रहा किस से ली, जैसे कामायनी से ली गई कुछ पंक्तियाँ है, कुछ जो है ध्रुवस्वामिनी की है, कुछ जो है स्कंदगुप्त से ली गई है, तो इसी प्रकार से काफ़ी सारी पंक्तियाँ जो है किन किन काव्य संग्रह से ली गई है, ये कुछ पंक्तियाँ आशु से ली गई है, तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि कौन सी पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो दुख ही जीवन की कथा कही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 विजन वन वलरी पर सूर्यकांत भाई ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये इतनी पंक्ति हो जाएगी विजय वन वलरी पर सोती भी सुहाग भरी, जो ये पंक्ति है ये निराला जी की है। उसके बाद आगे जीण बाहु क्षीण शरीर तुझे बुलाता कृष्यक अधीर, ये पंक्ति भी जो है निराला जी की है। और नृत्य उस नायक ने निपट निठुराई की सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं तुम हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हे अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, सतम है पवन चार। ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं। धूर्त झरो जगत से श्रीण पत्र, हे शस्त्र दवष्ट है सूक्ष्म क्षीण। ये जो पंक्ति है इम्पोर्टेंट पंक्ति है, प्रकृति चित्रण संबंधी इसमें दर्शाया गया है। और जो पंत जी से संबंधित ये पंक्ति है, क्योंकि पंत जी प्रकृति चित्रण के चितेरे भी कवि का कहे जाते हैं, और ये पंक्ति जो है पंत जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर सुमित सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये जो पंक्ति है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। मैनीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, सभी को पता है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति, मैनीर भरी दुख की बदली। उसके बाद देख लेते हैं। शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, सॉरी भाई प्राणों की क्रीड़ा। ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं। मिलन का नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तोड़ दो यह क्षितिज, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। मैं भी देख लूँ उस और क्या, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। मधुर मधुर मेरे दीप जल, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये। और उसके बाद जो है प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कहा सुमित्रानंदन पंत ने। एक सेकंड भाई, ये भाई यहाँ पे मुझे कोई थोड़ा डाउट लग रहा है, ये शायद नंद दुलारे वाजपेयी आंसर आएगा। नंद दुलारे वाजपेयी, प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है, नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और पंत जी को जो प्रगतिवाद की शुरुआत मानी गई है भाई, पंत जी द्वारा जो पंत की रचनाओं से प्रगतिवाद की रचनाओं करने का श्रेय दिया जाता है पंत जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आंसर नंद दुलारे वाजपेयी आएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जो है आंसर बता सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं। श्वानों का दूध है वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारी अगली हमारी पंक्ति है, भाग्यवाद अवतरण पाप और अस्त्र शोषण का जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, प्रसिद्ध पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये, जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं पंक्ति नंबर 65। गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। उसके बाद वह तोड़ती पत्थर देखा उसने उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये पंक्ति निराला जी की है, तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है। जिसका ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, रमेश्वर शुक्ल अंचल जी के, जो माशलवाद के प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद तुम वाहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मार हथौड़ा कर चोट केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो कि प्रगतिवादी कवि रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। घुन खाए शैतीरों पर भारा खड़ी विधाता बचे, प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी की है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। बापू के भी ताऊ निकले, नागार्जुन जी की है भाई, तीनों बापू बंदर के, ये जो पंक्ति है नागार्जुन की है। बापू के भी ताऊ निकले, तीनों
बंदर बापू के, बापू के बिताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, नागार्जुन की है। भैया यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसके बाद देख लेते हैं आगे। भारत माता ग्राम वासिनी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिकाना चना, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। हवा हूँ मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सभी को पता है केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद आगे देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण कथन। ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं है। 1943 से 53 तक कविता में नवीन प्रयोग हुए और नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था, ये कहा शिव कुमार शर्मा जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगली हमारी पंक्ति है 76 नंबर की। प्रयोगवाद हिंदी में प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा, सॉरी भाई कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जब हम करने की कोशिश करते हैं तो देख लेते हैं। अगली जो हमारी पंक्ति है पंक्ति नंबर 76, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा, कई बार पूछा जाता है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो धंधा बनाकर आया और प्रयोगताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल है और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु, ये कहा नंदुलारे वाजपेयी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा, नागार्जुन जी द्वारा कहा गया कि खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा। उसके बाद देख लेते आगे। मांझी ने बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। झुका यूनियन बैंक तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंक्ति नंबर 80। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। याद आता मुझे उसका तरुणी ग्राम, जो ये पंक्ति है नागार्जुन की पंक्ति है। याद आती लीचिया और आम, जो याद आता मुझे उसका तरुणी ग्राम, याद आती लीचिया और आम, जो ये पंक्ति है नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी दीवार पर छिपकलियों की गश्त, इस प्रकार से जो अकाल और उसके बाद कविता से ली गई जो ये पंक्ति है नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 83। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु लोक से, आज रोया या तुम रोए थे, नागार्जुन जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं, धर्मवीर भारती जी द्वारा कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञे जी की पंक्ति है। आहा मेरा श्वास उत्पत ध्वनियों में उमड़ आई है लहू की धार, ये जो पंक्ति है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद दुख सबको मंजता है, अज्ञे जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। वही परिचित दो आँखें ही चीर माध्यम है, सब दर्दों से मेरे चीर परिचय का, जो है अज्ञे जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उठो सोच क्या गई ज्योति का तुम, आस्था का दीप जलाओ, ये भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आओ तुम उस अतीत को भूले और आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग के अंतर छूले, ये पंक्ति भी जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। काफ़ी सारी पंक्तियाँ अज्ञे जी की प्रसिद्ध है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं 91 पर पंक्ति। नंगी धूप चूमते पुष्ट वृक्ष दूधिया पाहे,
रस्ती केसर फूल, ये पंक्ति श्याम परमार जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कोशवत सिमटे रहे यह चाहती नारी, ये पंक्ति अज्ञेय जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, देवता अब इन पत्तिकों से कर गई कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मूल लमा छूट जाता है, अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगली पंक्ति भी अज्ञेय जी की है भाई। मैं मरूंगा सुखी, मेरे जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है, अज्ञेय जी की है। उसके बाद देख लेते हैं उड़ गई चिड़िया कापी, फिर थिर हो गई पत्ती, ये पंक्ति जो है अज्ञेय जी की है। शरद चांदनी बरसी अंजुरी भरमर पोलो, अज्ञेय जी की पंक्ति है। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, अज्ञेय जी की पंक्ति है। उसके बाद सांप कविता से ली गई अज्ञेय जी द्वारा, सांप तुम सभ्य हो सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, ये पंक्ति जो है अज्ञेय जी की है। उसके बाद देख लेते हैं बंदूक टपकी एक नब से, किसी ने झुककर झोंके से कि हंसे हंस दिया हो, भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्ति है। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्ति है। इस युग में सिया राम शुदा काम जगदीश गुप्त जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 101 भाई। आपको लग रहा होगा मैम पता नहीं कितनी पंक्तियां कराएगी, अभी ज़्यादा नहीं है और कुछ 15-16 पंक्तियां और बची हुई है, 120 के लगभग पंक्तियां है आज के क्लास के अंतर्गत। तो हम सभी पंक्तियों को देख लेते हैं, क्या पता कौन सी पंक्ति परीक्षा में पूछ ली जाए। तो आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, एक बार आपको इस तरह अगर आप नॉर्मल स्पीड से आप पढ़ रहे हो तो एक बार जो है 2x करके जो है दोबारा से इस क्लास को रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको इन पंक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो ये पंक्तियां हैं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं ये आपको याद हो जाएंगे, और एक दो बार पढ़ने से ही जो है आपको परीक्षा में ये समझ आ जाएगा ये पंक्ति किस लेखक की है। तो आपको अपने 3 से 4 नंबर इस क्लास के माध्यम से पक्के कर लेने हैं, और 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल 3 या 4 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन संख्या कम नहीं होगी क्योंकि आधुनिक काल से संबंधित हर परीक्षाओं में पंक्तियाँ काफ़ी सारी पूछी जाती हैं, चाहे DTET+B की TGT PGT परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आजकल प्रश्न पूछा जाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल चुका है, पंक्ति और कथनों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आने लगे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज की क्लास को रखा है। देख लेते हैं पंक्ति नंबर 101। अब सुनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा समित आनंद, ये पंक्ति जो है गिरजा कुमार माथुर जी की है। बीच पेड़ों के कटन में पड़े 2-4 छप्पर, गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहा किया मैंने प्रेम अभी, शमशेर बहादुर जी की है। उसके बाद देख लेते हैं बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, बात ही जो ये पंक्ति है शमशेर बहादुर जी की है। उसके बाद अगली पंक्ति है हमारी, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहेंगे, इस ये पंक्ति जो है रघुवीर साय जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ होगा अगर मैं तुम बोलूँगा न टूटे, तिलिश्यम सत्ता का मैंने अंदर एक कायर टूटेगा, ये पंक्ति जो है रघुवीर साय जी की पंक्ति है। उसके बाद आगे देख लेते हैं पंक्ति नंबर 107। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, ये पंक्ति मुक्ति बोध जी की है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्ति बोध जी की पंक्ति है, अंधेरे में कविता से ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगली पंक्ति हमारी पंक्ति नंबर 102। मेरे युग का मुहावरा है
फ़र्क नहीं पड़ता। ये है पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। जी हाँ हजूर, गीत बेचता हूँ मैं, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये पंक्ति जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंक्ति नंबर 110। मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा हूँ, शेष हूँ अभी तक। ये जो है धर्मवीर भारती जो द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 111। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, धर्मवीर भारती जी की पंक्ति है। आल्ला की हुंकार रसायन की कथा, वृंदावन के रास गोपियों की व्यथा, वीरेंद्र मिश्र जी की पंक्ति है। नील गगन का बेकरारी का साया, कृष्ण निशा की महंगाई की छाया, ये पंक्ति जो है वीरेंद्र मिश्र। उसके बाद अगली पंक्ति हमारी है, अगली पंक्ति पंक्ति नंबर 114। खून खराबी महानाश का तांडव, कौरव जैसा राज के जितना पांडव, जनता पांडव, कौरव जैसा राज की जनता पांडव, ये पंक्ति जो है वीरेंद्र मिश्र जी की है कि खून खराबी महानाश का तांडव है, कौरव जैसा राज की जनता पांडव है, ये पंक्ति जो है वीरेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखी गई। क्या आज़ादी सिर्फ तीन थके रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, ये पंक्ति जो है सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मृमत के लिए खड़ा है, सुदामा पांडे धूमिल जी की है कि मेरे लिए जो है हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये पंक्ति जो है सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा लिखी गई। अनबेली प्रीति सी निंदिया के गीत सी, प्राणों में छाया गई चिता की चांदनी, सोम ठाकुर जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद पंक्ति नंबर 118। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, ये पंक्ति जो है अपनी केवल धार कविता से ली गई है। तो ये पंक्ति जो है अरुण कमल जी की है, जो कि एक नए साहित्यकार रहे हैं हिंदी साहित्य में, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। एक इनकी रचना है जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती है अरुण कमल जी की, वो है नए इलाके में। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी। और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण कमल जी को किस सन में प्राप्त हुआ है, सन बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके, ये आपके लिए होमवर्क है। और कमेंट बॉक्स में जो भी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ एक दो, तो आप उसका आंसर दिया करो, क्योंकि जब परीक्षा में वही प्रश्न आपके लोगों के सामने होगा तो 100% जो है गारंटी से जो है आपका वो प्रश्न ठीक हो जाएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरह जो है हम ने जो है संपूर्ण हिंदी की विषय की तैयारी हर अपने परीक्षाओं के लेवल के अनुसार हम करते हुए आगे बढ़ी रहे हैं। हम वैसे तो DSSB पर फोकस करके जो है TGT PGT हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ा ही रहे हैं, और साथ ही जो है उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये पंक्तियाँ और जो ये क्लासेस हम कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, और लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से ही मुझे जो नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है, और मैं जो है और अच्छे से नेक्स्ट क्लास लेकर के आती हूँ। तो इसी प्रकार से हर रोज़ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।